वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शब्द दिनेटर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए सुंदर सी कैप। ये बहुत इजीली बन जाती है, बहुत थोड़े सोन में बनती है, तो देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, लाइट कलर की वूल ले रही हूँ सबसे पहले, और मैं सबसे पहले फंदा बनाऊँगी और 5 चेन डालूंगी। एक, दो, तीन, चार और ये 5, और फिर लास्ट चेन में स्लिप स्टिच लेते हुए इसे ज्वाइन कर देंगे, धागा थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर हम इस धागे को साथ लेते हुए यहाँ 3 चेन बनाएंगे और इस होल में से, सर्कल में से 12 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे। हमारी फर्स्ट चेन जो थी, इसमें हम क्रोशिया हुक डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड में 3 चेन्स लेंगे और सेम जहां हमने स्लिप स्टिच लिया है उसी में डबल क्रोशिया करेंगे, और एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में दोबारा डबल क्रोशिया। हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है और 2 टाइम्स करना है, और एक चेन लेनी है, 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट। यही रिपीट करेंगे इस वाले राउंड में। और अब ये राउंड कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सेकेंड राउंड फिनिश हो गया। सेकेंड राउंड में हम अब ये जो चेन फर्स्ट नजर आ रही है इससे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम फिर से 3 चेन्स लेंगे और पहले हम एक चेन, दो दो किया हमने एक ही चेन में, अब हम हर एक चेन में करेंगे, और ये जो हमने जाली बनाई है एक चेन की, बस इसमें एक बार डबल क्रोशेट और करेंगे। सेम तरीके से चलेंगे, हर एक चेन में, हर एक डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट, इस ये हमारा 3 बार हो गया और ये एक चेन, फिर 3 टाइम्स, 1, 2 और ये 3 टाइम्स। ये जो हमने चेन ली थी लास्ट राउंड में, इसमें हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है और फिर एक चेन लेनी है। बस इसी तरीके से हम अपने ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने तीसरा राउंड चल रहा है, फोर्थ राउंड में हम कलर चेंज करेंगे। जैसे हमने 3 क्रोशेट्स बनाकर फिर एक चेन डाली है, नेक्स्ट राउंड में हम 4 क्रोशेट्स बनाकर फिर एक चेन डालेंगे। अगर हम इससे बड़ा राउंड बनाते हैं तो 5 क्रोशेट्स डालकर फिर एक चेन बनाएंगे। बस इसी तरीके से अपना हम सर्कल को बड़ा करेंगे जिस तरह हमने इसमें किया है। तो हम इसके 1, 2, 3 और 4 राउंड बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपना 4th राउंड कंप्लीट किया है और मैं इसको स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ रही हूँ। 4th राउंड में हमने 4 डबल क्रोशेट और एक चेन ली है, 4 डबल क्रोशेट एंड 1 चेन। अब हम अपने 5th रो पर हैं और हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशेट करके एक चेन लेनी है। 5वां ही राउंड है और 5 ही डबल क्रोशेट करके एक चेन लेनी है और फिर से 5 क्रोशेट बनाने हैं। तो हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने 5 क्रोशेट, फिर से 4 बने हैं, अभी 5 बना लिए। अब मैं एक चेन लूँगी, पूरा कर लूँ राउंड, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने अपना 5th राउंड कंप्लीट कर लिया है, लास्ट वाले डबल क्रोशेट की चेन से जोड़ रही हूँ। अब हम अपना हल्के रंग का धागा चलाने वाले हैं, तो हम इस हल्के रंग के धागे को साथ में ले लेंगे और इसको साथ लेते हुए स्लिप स्टिच लगाएंगे, और इस वाले धागे को छोड़ देंगे और इस वाले धागे को पकड़ लेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब ये वाले राउंड पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि अब हमने अपनी इस टोपी की गहराई शुरू करनी है, तो हम हर एक शुरू में एक जगह पर, यानी एक डबल क्रोशेट में 4 टाइम्स लेंगे। 2 हो गई है हमारे, एक चेन वाला और एक हमने डबल बनाया, एक चेन लेंगे और उसके बाद सेम जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, यानी हमारा 4 डबल क्रोशेट का एक सेट तैयार होगा, 1, 2, 3 और 4 और बीच में एक चेन। अब हम यहां से 3 का गैप देंगे, 1, 2, 3, 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, एक चेन और फिर से सेम जगह पर डबल क्रोशेट 2 बार। फिर हम
एक दो तीन छोड़ेंगे और चौथी चेन पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम अपना ये सिक्स राउंड कंप्लीट करने वाले हैं। अब मैं अपना ये वाला राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यस फ्रेंड्स, अब हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमारे तीन बचे हुए हैं, तीन डबल क्रोशेट। अब हमने छोड़ेंगे और यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे और ब्लू कलर का धागा साथ में ले लेंगे जिससे ये धागा हमारा ऊपर आ जाए। अभी हमने इसी कलर से एक और राउंड बनाना है, लेकिन इस धागे को ऊपर लेते जाएंगे नहीं तो लंबा हो जाएगा ये धागा और फिर काटने की नौबत आती है या बुरा लगता है। और अब हम इससे नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच लेंगे और फिर ये जो बीच वाली जगह है इसमें से एक स्लिप स्टिच लेना है और तीन चेन बना लेनी है और फिर इसमें से हमने फोर टाइम्स डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से बन गया है, एक हमने बनाया है, एक हमने अब चेन ले ली और अब हम ये दो और बनाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ है। अब हम फिर से इस वाली जगह पर बीचों बीच फोर टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे और दो के बाद एक चेन लेंगे। इस तरह से हमारी कैप की गोलाई बननी शुरू हो गई है। अब ये हमारा कैप इस तरीके से मोड़ना शुरू हो जाएगा। अब ये नीचे को जाएगा और हमारी कैप की गहराई बनती चली जाएगी। अब मैं थोड़ा सा बनाकर फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकेंड राउंड इस कलर का कंप्लीट कर लिया है। अभी कंप्लीट होने में ये दो सेट बाकी हैं। देखिए इधर भी ये दो हैं, इधर भी दो हैं, हमारे बीच में सिंगल दो सेट हैं। हम इन्हें यहाँ पर छोड़ेंगे और यहाँ हमने जो ब्लू कलर का धागा लिया हुआ है इससे हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ये हम बीच में गैप देंगे जैसे हमारा ये इस गैप में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम अपना नेक्स्ट राउंड ब्लू कलर से स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे से ही धागा खींच लेंगे, फंदा ले लेंगे और यहाँ पर तीन चेन बना लेंगे और फिर सेम जगह पर हम फोर टाइम्स करेंगे। एक चेन लेंगे दो बनाने के बाद और ये हमारा चार का सेट तैयार हो जाएगा और हम फिर से नेक्स्ट सेट में फोर टाइम्स बनाएंगे। और इस तरीके से हम ये वाले दो राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी कैप की शेप आती जा रही है। ये हमने ब्लू कलर से टू लाइंस कंप्लीट कर ली हैं और अब हमने क्रीम कलर से आगे बनाना है और क्रीम कलर का धागा हमारा इस साइड है, इसलिए हम ये वाला यहीं छोड़ देंगे और यहाँ से क्रीम कलर का धागा ले लेंगे। यहाँ से अब हमने इसको ऊपर ले जाना है, सफाई से ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम धागा निकालेंगे फंदा और तीन चेन बना लेंगे और इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और ये एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। फिर हम तीन चेन बनाएंगे और इसका जो सबसे ऊपर वाला चेन है उसमें से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये हमारी एक सफाई सी आ जाएगी, ऑकवर्ड नहीं लगेगा। और फिर हम इसमें से बीच वाली पॉइंट में से लेते हुए फिर हम अपना सेट बनाना शुरू करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट प्लेस पर आ रहे हैं और इसी तरह सेट बनाते हुए हम इसकी भी टू लाइंस कंप्लीट करेंगे। आगे बता, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फाइव राउंड्स तो किए थे प्लेन प्लेन और उसके बाद डिज़ाइन बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड्स किए हैं अलग अलग कलर्स के और इस तरह हमारी टोपी की गहराई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो ये वाला एरिया है जो हमारे बच्चे के माउथ के चारों तरफ आना है, इस पर हम छोटा सा एक बॉर्डर बनाएंगे और लास्ट में सबसे पहले एक चेन लेंगे और फिर डबल हाफ क्रोशेट से एक लाइन बनाएंगे जिससे ये जो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ आ रहा है ये प्लेन हो जाएगा। ये देखिए, मैं डबल हाफ क्रोशेट, तीन का एक, ये देखिए हमारा ये सीधापन आ गया। बस हमें ये सीधापन लेकर आना है और हम इसकी बाउंड्री बॉर्डर की तरह बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी किनारी पर डबल हाफ क्रोशेट की एक लाइन बना ली है
और अब हम इस कोने पे हैं। आपने ये देखा कि मैंने इस टोपी में किनारे पर डोरी बनाई है। अब हम डोरी बनाना सीखेंगे। देखिए कितनी आसानी से डोरी बनेगी। बस हमने ये जो धागा हमारा है ना, इसको हमने इतना लंबा कर लेना है। इतना लंबा कर लेंगे जितनी हमारी डोरी हमने बनाई हुई है उसका जस्ट डबल। ये हमारी डोरी है इतनी लंबी और हम इसका डबल धागा ले रहे हैं। बस अब हमने इसको फिंगर में पकड़ के और ऐसे ऐसे घुमाना है। ऐसे यहाँ से पकड़ लेना है और इसे क्रोशिए में डाल लेना है हुक को, और इसे इसके किनारे पे लाकर यहाँ से एक बार ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे घुमा देंगे। ये हमारी डोरी तैयार है। देखिए बिल्कुल सीधी डोरी बनी है। अब हम यहाँ से अपना इसी वाले फंदे को, ये हमने एक लाइन अभी और बनानी है डबल हाफ क्रोशेट की, और हम अपने पहले वाली चेन में से इस फंदे को निकाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा और यहाँ से टाइट करेंगे तो ये हमारा फंदा टाइट हो जाएगा। और फिर हम एक लेंगे ये, और फिर धागा लेते हुए नेक्स्ट चेन में हम डबल हाफ क्रोशेट बना लेंगे। ये हमारी डोरी साथ में लग गई है। ये अगली वाली चेन में फिर डबल हाफ क्रोशेट। अब हमारी ऊपर चेन साफ नज़र आ रही है और अब ये हमारा बॉर्डर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये देखिए डबल हाफ क्रोशेट की दूसरी लाइन चल रही है। अब मैं दूसरे कोने पर पहुंचकर दूसरे साइड की डोरी तैयार करूंगी। अब देखिए हमने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया बॉर्डर का। अब हम यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अपना धागा खींच लेंगे अपने नाप के अनुसार। ये हमारी डोरी है, डोरी से जस्ट डबल ले लेंगे। ये देखिए हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है, हम इसे छोटा करते हैं। अब हम इसके लगभग डबल लेंगे। जब हम इसे घुमाएंगे तो नेचुरली थोड़ा बहुत और छोटा हो जाता है, तो ये हम घुमाएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स, यदि आपको ये कैप अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस कैप को बनाइए और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फूल को सफाई से आपस में स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ लिया है और अब हम इस धागे को काट देंगे और क्रोशिया से अंदर कर लेंगे। साइड का भी फूल बना लेती हूँ फिर आपको दिखा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्यारी सी कैप तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।